एक दो लोगों का मैंने माइक पे सुनवाया भी है, महिलाओं को चोटें आई हैं, सभी आतंकित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि हम डरते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप हमारे लिए सम्माननीय प्रशासन के लोग हैं, कृपया अब आपको बता दिया गया है कि ये जमीन का दयालबाग की है, राजस्व विसर्जन सभा की है, इसका स्वामित्व का हक हमारा है, तो कृपया अब आप अपनी जो भी कार्रवाई आप सोचकर आए थे उसको बंद करें और जाएं, बेहतर होगा। हमारे लोगों को अभी भी आपने रोक के रखा हुआ है, मोबाइल भी छीने हैं कुछ लोगों के, वो वापस करें, और सभ्यता के साथ जिनको भी अगर गलती से अरेस्ट कर लिया है तो उनको छोड़ें, और जिनको आपने रोक के रखा हुआ है उनको प्लीज वापस करें, उनको अंदर आने दें। एक बच्चा जिस अक्षय जो है उसको भी अरेस्ट किया है, मार पीट करके उसको अरेस्ट करके ले जाया गया। देखिए, अगर आप बल प्रयोग करेंगे आपको रोकने के लिए, हमें भी तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है, अगर उसमें हम अपने आप को रोकते हैं, उसमें आप हमको अरेस्ट कर देते हैं, ये क्या मतलब है? लाठी आप चला रहे हैं और आप हमको अरेस्ट भी कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सर पे लाठी डंडे मारना, इवन आप जानते हैं, आप कैद पुलिसकर्मी, आपको मालूम है जब लाठी चार्ज भी हो तब भी सिर पे लाठी डंडे नहीं मारे जाते। कैसे आपने ये किया? कैसे आपने, आपकी क्या यही ट्रेनिंग है? मां बहन बच्चे आपके घर में नहीं है क्या? इस तरह से आप लोग दुर्व्यवहार करते हैं, सिर पे लाठी मारते हैं क्या? लाठी चलाने का पुलिस बल से ये मैं पूछना चाहूंगा, ये तरीका कि सिर पे लाठी मारी जाए, क्या यही सिखलाई है आपकी? जिन लोगों को आप लेके गए गैर कानूनी तरीके से उनको बाइज्जत वापस करिए, और किसी भी हालत में कोई भी और अपने बल का दुरुपयोग ना करे। राधा स्व आमी आया कि इस जगह के, जैसा कि आपका दावा है कि इस जगह पर आपका अधिकार है, आपकी इस बात को सुनते हुए आपको 24 घंटे में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी, जिसमें तहसीलदार एसडीएम, सदर एसडीएम और उनके वरिष्ठ अधिकारी, किसी के भी समक्ष पेश होकर अपने जो दस्तावेज हैं वो दिखाएं, और उसके बाद जो निर्णय होगा प्रशासन का उसको आप स्वीकार करें।